इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 जिसे 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मून एंड मार्स के बाद ये इंडिया का पहला मिशन है जो सन की स्टडी करेगा। पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, पर आदित्य L1 को अर्थ से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 पॉइंट यानी कि लग्रांज पॉइंट 1 पर रखा जाएगा। अर्थ एंड सन के बीच में ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट है जिन्हें स्पेस की पार्किंग भी कहा जाता है। इसरो के आदित्य मिशन को लग्रांज पॉइंट 1 यानी कि इस पॉइंट पे रखा जाएगा। एज वी नो, सूरज एंड पृथ्वी के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं एंड लग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सन एंड अर्थ दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, जिस कारण यहां पर प्लेस्ड स्पेसक्राफ्ट पर ना सन की और ना ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, जिससे ये सैटेलाइट्स बिना किसी ऑब्स्टिकल के सन को 24/7 ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही इन पॉइंट से सूरज को बिना किसी ग्रहण या एक्लिप्स के देखा जा सकता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे होंगे जिनमें से 4 सन को ऑब्जर्व करेंगे एंड 3 इनकी इंस्टीट्यूट स्टडी करेंगे। इसरो के आदित्य L1 को लग्रांज पॉइंट 1 तक पहुंचने में 4 महीने का टाइम लगेगा। ये चंद्रयान 3 की तरह पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा एंड देन इसे स्पीड देकर L1 पॉइंट के अराउंड लार्ज हेलो ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा। वहां से ये सन के अपर एटमोस्फेयर लेयर एंड सोलर एमिशन को स्टडी करेगा।